सो गाइस फाइनली Samsung Galaxy A73 की जो लीक्स हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं लीक्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्मार्टफोन के डिजाइन और स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। डिजाइन की अगर हम बात करें तो वहीं पर हमें Samsung Galaxy A72 के जैसा ही हमें स्मार्टफोन का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड में हमें पंच होल कैमरे वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED प्लस हमें स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और स्मूथनेस लेवल को और इंक्रीज करने के लिए स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग वाला पैनल भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जो डिस्प्ले है वो आपको स्मार्टफोन की काफी अच्छी और एक ब्राइट कलर वाली आपको स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसी की अगर हम करें बात स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो उसकी भी लीक जो टोटली कंफर्म हो चुके हैं। इसमें हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 750G। जी हां गाइस, ये स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिल जाता है, इसमें हमें 750G देखने को मिल जाता है। तो स्मार्टफोन में अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो काफी अच्छी तरीके वाले आप स्मार्टफोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात स्मार्टफोन के कैमरा की तो वही हमारे बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जिसमें कि हमें 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, और आखिर में हमें 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये Samsung का सबसे पहला स्मार्टफोन बनने वाला है जिसमें हमें इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और इसमें हमें OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो रियर कैमरा वाइज आपको स्मार्टफोन काफी अच्छा और कूल लेवल वाली आपको स्मार्टफोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके अगर हम करें बात स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में तो वहां पर हमें देखने को मिल जाती है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसमें हमें फुल HD प्लस की हमें रिकॉर्डिंग जो है ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आखिर अगर हम करें बात स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ की तो वहां पर हमें देखने को मिल जाती है 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ, जिसको कि चार्ज करने के लिए आपको 25W वाला आउटडोर वाला फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ कंफर्म लीक जो कि हमने आपको Samsung Galaxy A73 की 5G की बताई है। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस की और स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की। प्राइस की अगर हम बात करें तो वह हमें देखने को मिल जाती है 30,000 से 35,000 रुपीस के अंडर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की तो वह हमें इसी ईयर मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में हमें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे ये फोन लॉन्च होगा इसका एक डिटेल रिव्यू हम आपके लिए जरूर लाएंगे, तो इस चैनल को अभी का सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।